बीमारी है गर्भावस्था में होने वाले खून की कमी यानी एनीमिया की। भारत में हर साल करोड़ों लोग एनीमिया के शिकार होते हैं, जिनमें से छोटे बच्चे और महिलाओं की संख्या सबसे अधिक होती है, जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों में जान का खतरा हो सकता है, और यदि समय से इलाज इसका न किया जाए तो जान भी जा सकती है। लेकिन बस थोड़ी सी जानकारी से इससे बचा जा सकता है, तो आइए जानते हैं एनीमिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। अजी सुनते हैं। अजी बोलो क्या हुआ? आपको एक बात बतानी है। क्या? आप पापा बनने वाले हैं। सच्ची? हाँ। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। रुको मम्मी से पूछ लेता हूँ कि क्या करना है। ठीक है। मम्मी आपको खुशखबरी देनी थी, आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। पर रोशनी जिद कर रही थी कि हॉस्पिटल जाना है। अस्पताल? अस्पताल क्यों? जो आज तक नहीं हुआ वो अभी भी नहीं होगा। हम अस्पताल नहीं लेकर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है मम्मी, मैं समझाता हूँ उसे। गर्भावस्था के 3 महीने बाद। अरे भाभी जी। हाँ दीदी, एक गिलास पानी ले लिए। जी दीदी अभी लाती हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही बोला था, मुझे इतने दिन से चक्कर आ रहे हैं, अब कमजोरी हो रही है, मैं घर का कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, मेरी सांस फूलने लगती है, लेकिन अपनी माँ के आगे आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं? माँ, रोशनी पहले ही कह रही थी कि उसे हॉस्पिटल जाना है, पर आपने मना कर दिया, देखिए क्या हालत हुई उसकी। अरे चक्कर ही तो आ रहे हैं, नींबू पानी पिएगी ठीक हो जाएगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, अगर कम से कम आशा दीदी को ही दिखा लेते, अगर डॉक्टर को नहीं तो। सही कहा तुमने छुटकी, अब मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को बुला के लाता हूँ। नमस्ते मैडम। क्या परेशानी है आपको? मुझे बहुत दिन से चक्कर आ रहे हैं और कमजोरी होती है, मैं घर का कुछ भी काम करती हूँ थक जाती हूँ और मेरी सांस फूलने लगती है। आपके पति ने बताया आप 3 महीने गर्भ से भी हैं? जी हाँ। दिखाइए आपके पास, चेकअप कर लेते हैं। आपकी रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि आपके खून की कमी है, मतलब आपको एनीमिया है।
मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, जिसमें से एक आयरन की दवाई है जो आपको खाली पेट खानी है, और साथ ही साथ फॉलिक एसिड और विटामिन सी है। अगर आप ये दवाइयाँ समय से खाएंगे और खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ भरपूर आराम करेंगे, तो आप और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इसके साथ खून की कमी की वजह से आपको और आपके बच्चे में जान का खतरा नहीं होगा, साथ ही साथ प्रसव के दौरान परेशानी भी नहीं रहेगी। ध्यान रखिए, धन्यवाद। तो आइए जानते हैं एनीमिया क्या होता है। एनीमिया यानी खून की कमी। एनीमिया आज शरीर में पाए जाने वाले आरबीसी में एक कंपोनेंट जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसकी कमी का कारण होता है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, और एनीमिया में जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। तो आइए देखते हैं एनीमिया होने के कारण। अपने दैनिक जीवन के आहार में अगर हम हरी सब्जियां, फल फूल नहीं लेते हैं, उससे एनीमिया होता है। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान रक्त स्राव ज्यादा होता है, उससे एनीमिया का खतरा होता है। साथ ही साथ अगर कोई महिला गर्भावस्था से और वो धूम्रपान और अल्कोहल लेती है, तो उससे भी एनीमिया का खतरा हो सकता है। तो आइए अब हम आपको बताएंगे एनीमिया के लक्षण। एनीमिया में चक्कर आना और घबराहट होना, सर में दर्द और छाती में दर्द होना, हल्की पीली त्वचा और सांस लेने में दिक्कत होना, अनियमित दिल की धड़कन और दुर्बलता होना। तो आइए देखते हैं एनीमिया के कुछ दुष्प्रभाव। गर्भावस्था में पल रहे बच्चे की मौत, संक्रमण का भी खतरा हो सकता है, सांस एवं दिल की बीमारी। से कैसे बचा जा सकता है? साग सब्जी के साथ अंडा और चिकन का प्रयोग किए, गुड़ चना और अंकुरित खाद्य पदार्थ का सेवन करें, अनार चुकंदर और गाजर खाएं, साथ में खट्टे फल यानी आंवला, नींबू और संतरा का भी उपयोग करें, आयरन और फोलिक एसिड लेते रहें। ध्यान रहे कि गर्भावस्था के दौरान 4 जांचें जरूर कराएं। पहली जांच 12 से 16 हफ्तों के बीच में, दूसरी जांच 24 से 28 हफ्तों के बीच करवाएं, तीसरी जांच 32 और 36 सप्ताह में करवाएं, चौथी जांच 36 से 38 हफ्तों के बीच में करवाएं। और स्वास्थ्य को पहला स्थान, तभी होगा एनीमिया का निदान। एनीमिया हारेगा, देश जीतेगा। हमें शौर्य और तेजी हमारी प्रेरणा।